जो हम लोग टेस्ट करते हैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट से रिपोर्ट प्रोड्यूस होता है बिल्डिंग सिक्योरिटी सीसीटीवी में चले जाओ सीसीटीवी ऑडियो वीडियो मोबाइल डिजिटल फॉरेंसिक्स सीसीटीवी फॉरेंसिक्स आजकल इंजीनियरिंग में भी कई सारे काम से जा रहे हैं फॉरेंसिक्स एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया आपको क्या लगता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है जो पहले मुनीम जी करते थे ना पहले पिक्चर में 70 वही है बदला बदला नहीं है ट्रेंड ऑफ क्राइम ट्रेंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द ट्रेंड ऑफ फैसिलिटीज तीन चेंज हो गया है समय के साथ बाकी कुछ नहीं बदला आप झोपड़ी में रहते थे तो कॉम्पेयर करते किसी की जरूरत नहीं किसी की भी नहीं कंपेयर करवा के बिल्डिंग का निर्माण हो गया आप जरूरत है समस्याएं नहीं बदली है ट्रेंड ऑफ प्रॉब्लम बदली है समस्याओं का समूहीकरण समूह बदला है फैसिलिटी का ट्रेंड बदला है सब कुछ वही हाँ तो करियर बिल्डर क्या है आप हैंडराइटिंग डॉक्यूमेंट या फिंगरप्रिंट का अगर करते हो डिजर्टेशन वगैरह PhD जो कि आप कैंट सात कोर्ट है दिल्ली के अंदर और इंडिया में कितने हजार कोर्ट आप सोचो एक कोर्ट में कितने हो गए किसी भी घर का चूल्हा नहीं चलता है क्या उनके अंदर एक इंटरेस्ट है हमें आज दो केस हम लोग क्या है हम लोग सोचते हैं पढ़ के सब सोच लेते हैं आप लोग FBI के एजेंट है हम लोगों ने किया था तो हमें लगा सीधे चीफ में जा रहा हूँ ज्वाइनिंग बस ज्वाइनिंग ही रह गया लेकिन जब डे बाई डे हम लोग मेहनत करते हैं थोड़ा दुख सुख धक्का मुक्की डिजर्टेशन असिस्टेंट प्रोफेसर से थोड़ा टेंशन है ना कनेक्शन सिनॉप्सिस में 5 बार और अपने लोग बेकार है लाभ लाभ ये नहीं होगा तो कनक कुंदन कैसे बनेगा चंदन की लकड़ी जो कट कट के जाते हैं ना वो ईश्वर के तिलक के काम जिस स्वर्ग को ज्यादा तपाया जाता है वो कनक कुंदन बन जाता है तपेगा नहीं खड़ा जो बनाता है ज़्यादा उसको पीटता है वो सुराही पर है एक अपने मुंह में आता है इस तरह प्रोसेस इस द मैकेनिज्म तो एनहांस योर कैपेबिलिटी टू बिल्ड अप योर एबिलिटी एंड एनालिसिस पावर सो दैट यू कैन as you like in the future, you will become what you like, what you miss, what you feel is. Keep working, if you are in a better one, or a step is for that. हम लोग क्या सोचते हैं सरकार पहले से निकाले नहीं तो जाएंगे इसी चक्कर में तो आर्ट्स वाले पढ़ेगा कोर्ट पे तो हम पहले से पहले क्यों सोचते हैं कि सरकार पहले से निकाले इवन मेरी बात आप पूछी हो तो मैं बता रहा हूँ मैंने 3 साल प्राइवेट प्रैक्टिस एंड एथिक एक्सपर्ट इससे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर मिले आप ये मत सोचो कि उसका क्वेश्चन है ये आप सभी का क्वेश्चन 45 इंडियन एंटर्स एक्ट 45 को मैंने बोला है इसके अंदर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड राइटिंग एक्सपर्ट सिग्नेचर एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ये 3 संभव है नॉर्मली थोड़ा प्रॉब्लम और उठाओगे तो 65D का डिजिटल सर्टिफिकेट आता है ये भी ऑटो कोर्ट में भी माना जाता है 65D तो गवर्नमेंट का भी चल रहा है प्राइवेट में चल रहा है 93 के साथ सरकारी में कोलैबोरेट कर देते हैं और प्राइवेट में 45 के साथ कोलैबोरेट कर देते हैं तो सीसीटीवी
ऑडियो वीडियो रैंसम वगैरह का जो होता है ना, चाहे रैंसम ऑडियो वीडियो या छेड़खाने वगैरह के, तो वो सारे आ जाएंगे डिजिटल क्राइम में। डिजिटल क्राइम में 65B के साथ 45 को इन सब में प्राइवेट प्रैक्टिस आपको इजीली हो सकता है। सिंपल आप एज एडवोकेट एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप कोर्ट में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, केसेस मिलेंगे, रिपोर्ट तैयार करो, एनालाइज करो, लेंस है आपके पास लाइट्स हैं, यूवी लाइट्स भी है मार्केट में, छोटे छोटे फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे आ रहे हैं, मार्केट में चार मिल जाएगी आपके सामने। तो आप डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट कैसे हो, सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस, डिजिटल एविडेंस में आ जाओगे तो आपकी टीम और बढ़ जाएगी। सीसीटीवी ऑडियो वीडियो डिजिटल कैम मोबाइल वगैरह, ईमेल स्प्रेडिंग, ईमेल बॉम्बिंग।